रामंच थाना क्षेत्र के बैदा गांव के डीज कॉर्नर स्कूल में पैसे को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दो युवकों ने स्कूल के ऑफिस में रखे सामान तोड़फोड़ करते हुए स्कूल के डायरेक्टर साजिद अंसारी के साथ बदतमीजी भी किया। इस घटना को लेकर स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी डरे सहमे महसूस कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये पूरा मामला बैदा गांव के डीज कॉर्नर स्कूल का है, जहां साजिद अंसारी ने बताया कि दो व्यक्ति मेरे स्कूल में आए और बदतमीजी करने लगे, उसके बाद तोड़फोड़ किया। उसमें से एक व्यक्ति बैदा गांव का ही है और दूसरा अन्य व्यक्ति है। क्या नाम है? एमडी साजिद अंसारी। साजिद, क्या हुआ था आपके स्कूल? जी, सुबह जो है लगभग छुट्टी 10 बजे हमारे स्कूल में हो गए थे, एग्जाम चल रहे थे, तो बच्चों का जो है आज ड्राइंग था, छुट्टी हो गई थी 10 बजे। 10 बजे छुट्टी के पश्चात जो ऐसे 10:30 में पूर्व ड्राइवर 6 महीना पहले जो चलाते थे गाड़ी, इस्लाम साहब आए हमारे पास 10:30 बजे। उन्होंने बोला कि हमारा पैसा कब दीजिएगा, 6 महीने से यहाँ नहीं थे, आए हमारे पास। तो हम बोले कि ठीक, हम आपको पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं, आप हमें नंबर दे दीजिए और जो ऐसे आप साइन कर दीजिए। तो बोला कि हमको साइन करने नहीं आता। तो हम बोले कि जो ऐसे हमारे पास जो ऐसे ये इंक वाला है, आप अंगूठा लगा दीजिए। तो बोला कि हम नहीं करेंगे, हमको पैसा दीजिए। तो हम बोले कि भाई मेरे प्रमाण क्या रहेगा कि हम आपको पैसा दिए हैं। इतने ही में जो ऐसे वो गुस्सा हो गए और जो ऐसे जाति सूचक शब्द जो ऐसे बोलते हुए निकल गया, बोला कि हम आ रहे हैं। तो हम जो ऐसे बच्चों को जो ऐसे बैठा के गाड़ी में बैठा ही था, बैठा करके हम सोचे कि अब जो ऐसे हम भी निकलते हैं, 15 मिनट हो चुका है, 15 मिनट में जो ऐसे अब नहीं आए तो हो सकता है कि हम सोचे कि आदमी बुद्धिजीवी को लेकर आएंगे, फैसला करेंगे। यहाँ तो एक आदमी अज्ञात आदमी को जो ऐसे नकाबपोश आया हमारे पास और आते के साथ डायरेक्टली कोई बात नहीं, कोई बात विचार नहीं, सीधे डायरेक्टली हमें जो ऐसे देखिए चेयर वहाँ लगा हुआ है वहाँ सीधे अड़ा दिया गया और एक आदमी जो ऐसे सारे सामान को बिखेड़ा गया और जो ऐसे हल्ला एक आध बार किए तो इस घर में कोई नहीं थे, समझ गए, इसमें मर्द शक्ल में जो ऐसे अकौना गए हुए थे तो ये नहीं था और लेडीज़ वास्ता थी। बच्चे लोग चिल्लाने लगे, एक बच्ची थी चिल्लाने लगी। फिर उसके बाद जो ऐसे हम जो ऐसे और लोगों को गांव वाले लोगों को फ़ोन किया तो कुछ लोग आए और देखे। उसके बाद जो ऐसे हम बच्चों को लेकर के थाने में गए कि वहाँ आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद जो ऐसे मीडियाकर्मी, लैपटॉप टूटा हुआ है, गिरा हुआ है। जी हाँ, उस सब उन्हीं लोग ने तोड़ा है, देख लीजिए, वो लैपटॉप वहाँ तोड़ा गया है, यहाँ तोड़ा गया है, देख लीजिए। और ये सब बच्चे का आज नोट्स जमा किए थे, सारे जो ऐसे स्टाफ भी आज जमा किए थे, उस सबको फेंक दिया गया। चेयर वहाँ तोड़ा गया, देख लीजिए उधर, दिखाइए अब चेयर जो ऐसे उधर तोड़ा गया है। तो ये सब वारदात हुआ हमारे साथ, तो हम आवेदन दिए। हम यही जो ऐसे थाना की पुलिस आई थी, किस तरह का आश्वासन दिया, क्या कार्रवाई? वो जो ऐसे देख करके यहाँ से गए हैं, जाँच करके गए हैं, उसके बाद जो ऐसे बोले कि ठीक है, जो ऐसे हम साहब को आगे जो ऐसे आपका जो ऐसे रिपोर्ट दे देंगे, उसके बाद जो ऐसे जो होगी कार्रवाई, आगे की कार्रवाई की जाएगी। कि इस तरह से जो ऐसे छोटी सी रकम के लिए ऐसा वारदात लोग करते हैं, जैसे लग रहे हैं कि जो ऐसे दुश्मनी एकदम पुराना जन्मों जाता का दुश्मनी है। 1700 में इस तरह से मसला हल हो जाती है, यहीं पर तुरंत पेमेंट कर देते हैं हम। बच्चे पूरे एकदम बिल्कुल सहमा गए हैं, बच्चे डर गए हैं, चिल्लाने लगे यहाँ पर बच्चे, समझ गए, बच्चे चिल्लाने लगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल खाप के सब बच्चे, एक ट्रिप के बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइवर जब तक के आते वहाँ से तब तक ये लोग जो ऐसे निकल के फरार हो गए। ड्राइवर ने भी जो ऐसे देखा उन लोगों को, समझ गए, ड्राइवर वहाँ जाकर के भी जो ऐसे गवाह दिया, यहाँ भी दिया गवाही कि हाँ हमने देखा उस आदमी को, समझ गए। और आज एक स्टाफ को पेमेंट किया हमारे पास जो ऐसे 15 दिन पहले हम जो ऐसे 1,05,000 निकाले हैं, उसका हमारे पास जो ऐसे रिसीविंग भी है, 1,05,000 निकाले, उसका रिसीविंग भी हमारे पास है कि हमने निकाला है, खाता पर भी सब कुछ है। कैश वगैरह 20,000 के लगभग जो होगा, समझ गए ना, 15,000 था और प्लस जो ऐसे 5,000 रुपये आज का जो ऐसे कलेक्शन था वो लेके यहाँ से गए। किसी को पहचानते हैं? एक आदमी को पहचानते हैं जो हमारे पूर्व ड्राइवर है, इस्लाम ड्राइवर है। दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति को तो मैं नहीं जान रहा हूँ, हमें तो लगता है कि इस गाँव का है ही नहीं है, उसे तो हमें कभी देखा नहीं, उतना कद जो ऐसे वैसा कोई है ही नहीं है कद का, तो उसको तो मैं देखा नहीं, घुंघरेला बाल है। इस पूरे मामले को लेकर आमच थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन करते हुए आसपास के लोगों से जानकारी लिया और स्कूल के डायरेक्टर को आश्वासन देते हुए कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे घटना को लेकर दूसरे पक्ष इस्लाम जी का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। साजिद सर, जो उसका 7 महीने सर गाड़ी हम चलाएं, तो साजिद सर पैसा रह गया था, तो कुछ पैसा हमको दिया था 1,015 रुपया मुर्तजा बाबू के मोबाइल से, उसके बाद फिर हमको पैसा वो नहीं दिया कि घर गिर गया है तो बनाइएगा ना, तो उस टाइम दे देंगे। तो हम कहा ठीक है, भी ठीक है बोल रहे हैं। कल गए थे आप? तो कल गए तो 10:30 बजे बोला इसके आके पैसा ले लीजिए हमसे, तो गए तो देखा कि मंसूर बाबू और साजिद बाबू हैं
और एक और उसका भाई है जावेद, तीनों भाई को देखा वहाँ पर ही स्कूल में। ठीक है, इतने में जाके सर पैसा मंगाया है रे, पैसा मंगाया है रे, हैं अच्छा। हाँ, और वहाँ था भाई हमसे करे लगा, हम जान लेके भाग गए वहाँ से। एप्लीकेशन जो दिया है उसमें ये भी लिख कर दिए हैं कि हमारे साथ मारपीट किया है, लैपटॉप तोड़ दिया है, लैपटॉप भी गिरा हुआ है, इस तरीके से पुलिस भी आई थी। तो उन लोग तीन तीन वो सर है, उन लोग तो देख सकता है, मोबाइल है, वीडियो भी, कैमरा उसके घर होगा, वो कैमरा भी हमको दिखा दे, हम मानने के लिए तैयार हैं अगर ऐसा वो कर कहीं से। तो अब हम अगर झूठ बोले हैं तो साजिद है पढ़ा लिखा आदमी, सही बोले वो। 20,000 रुपये कह रहा है कि काउंटर से 20,000 रुपये रखा हुआ नहीं, वो भी लेके हम कागज तक उसको नहीं काउंटर पर छुए हैं, उसका हम कागज तक के नहीं छुए हैं, किनारे में है, तीनों भाई सही खड़ा है, मंसूर है, साजिद है, फिर ये अरे एक और उसका जो भाई बाहर रहता है का नाम है ये जावेद। साजिद का ये भी कहना है कि आप दो लोग आए थे आपके साथ, एक और नहीं नहीं व्यक्ति था जिसके मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। नहीं, उससे पहले बल्कि हमको अनवर चा दरवाजा पर मिले, बोले कहाँ जा रहा बेटा, हम के लिए जा रहे हैं पैसा बोला इन्हें देवेला, हम कहने लगे कि ये सब प्रोग्राम इन लोग किए हुआ ऐसा कि मारेंगे पीटेंगे उसको, यही तो बात। इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल हिंदुस्तान एक्सप्रेस को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें इसी नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।